नमस्कार दोस्तों, मैं आपका टीचर अंकित आपका स्वागत करता हूँ। आज अनम क्रिएशंस में आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, एक्सेल में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, हम लोगों को स्कूल्स में, कॉलेजेस में और इवन ऑफिसेज में बहुत टाइम बार ये यूज करना पड़ता है अटेंडेंस सिस्टम की हम लोग अच्छे से लगाए, बट वो चीज हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, जैसे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज हम वीकली अटेंडेंस रिपोर्ट के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। ये एक उसकी इंट्रोडक्शन है, ये एक टेम्पलेट है, आप इसको एडिट या डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको आज बनाना भी सिखाऊंगा कि इसमें कैसे बनाया जा सकता है। ये जस्ट एक गो थ्रू है कि इसको कैसे करना है, इस टेम्पलेट में क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। इसकी दूसरी शीट में मैंने यहाँ पे कुछ बना के रखा हुआ है आप लोगों के। सबसे पहले ये नॉर्मल कॉलम्स है, देखिए इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ये पीरियड वन, T1, U1, E1, ये सब एक अटेंडेंस के सिस्टम्स हैं। जैसे एक क्लासेस में पीरियड्स होते हैं, इसको आगे आगे बढ़ा सकते हो जितने आपको चाहिए, ठीक है। ये सारे Y और N ऐसे यहाँ पे फिल्टर्स लगे हुए हैं, आपको ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे रूम भर लीजिए, रूम नंबर सपोज कर लो 5 रूम नंबर है यहाँ पे, ठीक है। टाइम भर लो, टीचर का नाम भर लो, सपोज टीचर का नाम है अंकित, कोर्स आज करने वाले हैं हम लोग एक्सेल का, वीक आज है सेकंड, ठीक है। अब आपको यहां से देख के भरना है, पी इज इक्वल टू प्रेजेंट, टी इज इक्वल टू टार्डी। आप यहां पे अपनी मर्जी से भी चीजें भर सकते हो। टी टार्डी मतलब होता है कि हाफ टाइम, या नहीं आना हो मतलब, या उसने एबसेंट हो, ठीक है। यू मतलब अनएक्सक्यूज्ड, मतलब किसी ने बिना बताए छुट्टी मार ली हो। ई मतलब एक्सक्यूज्ड, हैज मतलब डे ऑफ द वीक, मतलब जिसका वीक ऑफ होता है, ठीक है। यहां पे सपोज कर लो आप यहां पे अंकित भर लो, ठीक है। यहां पे आप आनव भर लो, यहां पे आप राम भर लो, यहां पे आप श्याम भर लो, यहां पे आप सीता भर लो, यहां पे आप गीता भर लो, ठीक है। कुछ भी आप भर लीजिए। तो यहां पे पी या फिर आप इस चीज को वाई, ठीक है। आप इस चीज से ऐसे आप भर सकते हो, इस चीज को ऐसे डायरेक्टली। अदरवाइज आप इसको टी भर सकते हो, ओ सॉरी यहां पे टी नहीं भरा जाएगा, ठीक है। यहां पे भी वाई, ठीक है। आप उस चीज को भर सकते हो कि उसने क्लास लगाई है या नहीं, जिसने क्लास नहीं लगाई है उसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी मेथड है इसको बनाने का और यूज करने का, ठीक है फ्रेंड्स। ये बहुत छोटी सी टिप है, कल मैं आपको अटेंडेंस के बारे में थोड़ी सी एक और टिप बताने वाला हूं, वो भी आप ध्यान से देखिएगा। ये एक टेम्पलेट है, कल हम इसको बना के करने वाले हैं। अगर मैं आज इसको करूंगा तो क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा पहले एक पकी पकाई जो रोटी होती है उसको खाना सीख लें कि वो कैसे खाई जाती है, फिर आप रोटी बनाना सीख लें कि वो बनाई कैसे जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।